वालेकुम फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त सलमान आपकी खिदमत में हाजिर है। मैं इस वक्त हूँ जी डिचकोट रोड के ऊपर, पीपल चौक है उसके रोड के ऊपर ही लगे हुए जी भोला टिक्की वाला। तो एक छोटा सा पॉइंट लगा है, रश काफ़ी ज़्यादा था, मैं देख के रुक गया हूँ और सोचा कि इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये आमली टंडा बनाता है, टिक्की है, शामी टिक्की है, ये काफ़ी कुछ है इनके पास। तो अभी उस तरफ चलते हैं, ये पीछे रश लगा हुआ है, ठीक है, तो अभी उस तरफ चलते हैं और आपको दिखाता हूँ उधर क्या चल रहा है। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। दाल वाली, आलू, चिकन वाली, अंडा शामी, फ्राई। अच्छा, दाल वाली, आलू वाली, अंडा शामी और फ्राई जी। और अंडा आमलेट भी बनाते हैं जी। ठीक हो गए। कितने साल तो बैठे हुए? तकरीबन चार, साढ़े तीन चार साल हो गए। साढ़े तीन चार साल हो गए, ठीक हो गए। माशाल्लाह काम ठीक है, शुक्र अल्लाह पाक का। चल रहे हैं, शुक्र हमारा सही हो गए। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। जी अभी मैं अपना ऑर्डर देता हूँ और आपको टिक्की खा के बताता हूँ कि कैसी है। मैं नान के साथ टिक्की खाऊंगा, ठीक है, रोटी के साथ नहीं खाऊंगा। और इनका जो टेस्ट है वो बताते हैं कि कैसा है। ले जी, माशाल्लाह मेरा ऑर्डर आ चुका है जी। ये टिक्की है जी इनकी, ठीक है, और ये साथ इन्होंने आमली ठंडा दिया, बड़ा हैवी किस्म का। और साथ में मैंने नान मंगवाया है, ठीक है। तो अभी मैं इसको टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा है। तो पहले मैं आमलेट लगाता हूँ, आमलेट के साथ जो है इसका टेस्ट आपको बताते हैं कि कैसा है, ठीक है। बिस्मिल्लाह, यह नान के साथ आमलेट मैंने पहली दफा खाया, लेकिन बड़ा मजेदार टेस्ट है। सर्दी भी बहुत ज्यादा है। अब मैं लगाता हूँ टिक्की के साथ इनकी जो शामी टिक्की है दाल वाली, दाल लगाता हूँ रायता। बहुत आ रहा है यार, बहुत आ रहा टेस्ट है इनका। ये छोटे जो पॉइंट होते हैं इनको एक्सप्लोर करना चाहिए, पर एक पॉइंटों पे तो हर बंदा जाता है, ठीक है। तो मैं गुजरा था डिस्कोट रोड के ऊपर भोला टिक्की वाला, तो सोचा इसको एक्सप्लोर करते हैं। और इनकी जो टिक्की है, इनको टिक्की का जो टेस्ट है वो आपको बताते हैं कि कैसा है। रायता साथ ही है, रायते में गाजरे हैं, प्याज है, ठीक है, काफ़ी कुछ है इसमें, ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा। टूर विद सलमान, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, खुश रहें, आबाद रहें, खुदा हाफिज़।